एक अनजान इंसान अचानक से आपके जीवन में आता है और आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। जिस वक्त आपको कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती, उसी वक्त कोई आपकी मदद के लिए आगे आता है। जहां से आपने कल्पना नहीं की थी, वहां से मदद आपके लिए आती है। और हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, समृद्धि हो, और अचानक ही किसी एक व्यक्ति या एक घटना के कारण सब कुछ बिखर जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने खुशियों को अपने हाथों में पकड़ा था और वो आपके हाथ से निकल गया और आप कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के करोड़ों लोगों के साथ जो कुछ घटित हो रहा है, क्या वह सब कुछ अपने आप संयोगवश हो रहा है या इसके पीछे किसी का हाथ है? गंभीरता से ध्यान पूर्वक सोचिए। आज आप ब्रह्मांड का एक बड़ा रहस्य जानने जा रहे हैं। आप किसी से मिलते नहीं हैं। आपके साथ जो कुछ भी होता है, वे ब्रह्मांड की एक मास्टर योजना का हिस्सा है, क्योंकि आप ब्रह्मांड का अंश हैं और आपके साथ, मेरे साथ, इस पृथ्वी के हर एक जीव के साथ होने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना ब्रह्मांड की योजना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये वीडियो आज आपको मिलना उस महत्वपूर्ण हिस्सा का ही एक छोटा सा अंग हो सकता है। ब्रह्मांड आपको खुद लोगों से मिलवाता है, आपके जो प्रियजन हैं, आप जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो आपके मित्र हैं, या जिन्हें आप शत्रु कहते हैं, या वो व्यक्ति जिसे आप गुरु कहते हैं, ये सब लोग ब्रह्मांड की एक योजना के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। जरा विचार करिए, जिसे आपने मित्र कहा, वो एक निर्धारित समय पर ही आपके जीवन में क्यों आया? जैसे ही उसका कार्य खत्म हुआ, ब्रह्मांड को उस व्यक्ति से आपके जीवन में जो देना था, जैसे ही वो कार्य पूरा हुआ, वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है। जब आप स्कूल में रहे होंगे, आपके बहुत से दोस्त बने होंगे, और जब उनका कार्य पूरा हुआ, जो आपके साथ होना था, वो कार्य पूरा होते ही वो आपके जीवन से चले गए। जब आप बड़े हुए होंगे, आपके जीवन में बहुत से लोग आए होंगे, उनसे मिलने पे आपको ऐसा लगा होगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ जीवन भर रहने वाला है, लेकिन कुछ समय बीतने पर वो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मांड एक निर्धारित समय पर, एक डिवाइन टाइम पर ही किसी व्यक्ति विशेष को आपके जीवन में भेजता है, और जैसे ही उसका कार्य पूरा हो जाता है, वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है। अगर वही व्यक्ति दोबारा आपके जीवन में आता है, यानी अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। आज ये वीडियो या ये चैनल मुदिता स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में आना ब्रह्मांड की मास्टर प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। हमारे जीवन में जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपका लव पार्टनर हो सकता है। आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति, इसको मैंने चुना है, इसका चुनाव मैंने किया है, हम दोनों ने एक दूसरे का चुनाव किया है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पर वास्तव में ये सत्य नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है, और ब्रह्मांड ने ही एक निश्चित समय पर, एक डिवाइन टाइम पर आप दोनों को मिलवाया है। अगर आप थोड़ा और गंभीरता से सोचेंगे, तब आप जानेंगे ब्रह्मांड ने उस वक्त इस प्लानिंग को तैयार किया था जब आपका जन्म नहीं हुआ, जब आपने शरीर धारण नहीं किया। उस वक्त ब्रह्मांड ने योजना तैयार की कि ये व्यक्ति आपके जीवन में इस समय अवधि में आएगा, और इसी योजना के कारण जैसे ही आप उस वर्ष को, उस आयु को पूरा करते हैं जिसमें उस व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होना है, आप उस व्यक्ति के लिए एक आकर्षण महसूस करते हैं, एक ऐसा आकर्षण जो आपको उससे जोड़ता है,
और वही घटनाएं, वही चीजें उस व्यक्ति के साथ भी होती हैं, क्योंकि आप दोनों का मिलना ब्रह्मांड की मास्टर प्लानिंग का एक हिस्सा है। आपको भौतिक जगत में लग सकता है ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप दोनों को इनर नोइंग होती है कि ये सब कुछ इसके पीछे किसी का हाथ है, लेकिन आप उसे फिजिकल वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। वो अच्छी घटनाएं हो या बुरी, किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और अचानक एक व्यक्ति के कारण जब सब कुछ खराब होता है तो ऐसा क्यों होता है? ये उसके कर्मा बैक करने के लिए हो रहा है, या उसे कुछ सिखाने के लिए। ब्रह्मांड अभी उसे एक लेसन देना चाहते हैं, और वो लेसन उसे इसी आयु में सीखना है, और वो चीज वो सीखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसके जीवन में एक तूफान आता है जो उसे उस लेसन को, उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता है। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, आपको ये जानना होगा। कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा ब्रह्मांड हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका बार बार विश्वास टूटता है। वो किसी पर विश्वास करता है और उसके साथ विश्वासघात होता है। दोबारा वो किसी व्यक्ति पर विश्वास करता है, फिर उसका विश्वास तोड़ा जाता है। तीसरी बार वो व्यक्ति किसी पर विश्वास करता है, फिर उसका विश्वास तोड़ा जाता है। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, उसकी क्या गलती है? इसके दो कारण है। ब्रह्मांड उसे एक सबक सिखाना चाहते, एक अध्याय, एक लेसन उसे देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति पर भरोसा आंख बंद कर नहीं करना चाहिए। इस बात को उसे सिखाना चाहते हैं, पर वो इस बात को सीख नहीं रहा, इसलिए उसके जीवन में एक जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, और वो इस चक्रव्यूह से तभी निकल सकता है जब वो इस लेसन को सीख जाएगा, स्वीकार करेगा। इसी तरीके से हर व्यक्ति के जीवन का अलग अलग लेसन हो सकता है। किसी के जीवन में हो सकता है कि उसे क्षमा करना है, माफ करना है, फॉरगिवनेस को सीखना है, पर वो हट करके बैठा है कि मैं इस व्यक्ति को, इस घटना के लिए क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। अब ब्रह्मांड उसके जीवन में वैसी ही घटनाएं तब तक दोहराते रहेंगे जब तक वो माफी को समझ नहीं जाता, वो माफी देना नहीं सीख जाता। तो इसके दो कारण हैं। एक तो यूनिवर्स हमें एक लेसन देना चाहते हैं, और दूसरा आपने वही चीजें किसी और को दी हैं, वही पेन किसी को दिया है, वही दर्द किसी को दिया है, वही वर्ड्स किसी को दिए हैं, तो यूनिवर्स वो आपको वापस कर रहे हैं। आप खुशी खुशी बहुत ही अच्छे मूड में अपने घर से निकलते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं या आप कॉलेज जा रहे हैं, और अचानक से एक अजनबी व्यक्ति आपको मिलता है और वो आपसे बिना बात ही विवाद करता है, आपका मूड डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप सोचते हैं अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, आपको इतना गुस्सा आता है कि आप उस व्यक्ति को मारना चाहते हैं या चाहते हैं कि इसका कितना बुरा हो जाए। और जब आप कुछ घंटों बाद गंभीरता से सोचते हैं तो सोचते हैं ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, अचानक ऐसा क्या हुआ, मैं तो बहुत अच्छे, बहुत ही काम, रिलैक्स मोड में जा रहा था या जा रही थी। ऐसा इसलिए हुआ कि उस घटना पे, उस समय काल में आपका एक प्रारब्ध था। आपने अपने पास लाइफ में या इसी लाइफ में किसी को ऐसे वर्ड्स बोले थे जिसने उसको अंदर से तोड़ दिया था, या इतना ही गुस्सा दिलाया था, इतनी ही तकलीफ दी थी, उसको वापस करने के लिए इस टाइम में आपके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि जब हम कोई भी वर्ड्स, कोई भी शब्द बोलते हैं, वो ब्रह्मांड में वैसे ही घूमता रहता है, और वो चीज़ हमारे पास वैसे ही और ज़्यादा पावरफुल तरीके से वापस आती है। तो आपने वो चीज़ किसी को दी थी तो वो आपको वापस मिल रही है, इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा, आपको एक लेसन सिखाया जा रहा है और उस लेसन को आपको समझना होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और जो भी वो सिखाना चाहते हैं वो आपको सीखना होगा। दूसरा, जो वो आपने दिया है वो आपको वापस मिलेगा, इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको रोना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है कि मैंने हो सकता है इसे ज़्यादा किया था, पर अब यूनिवर्स मेरे को ये लेसन देके उस चीज़ को कम कर रहे हैं। और तीसरा कारण होता है
स्पिरिचुअल पर्संस के लिए मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा कि ये कारण होता है अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित करना। आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि ब्रह्मांड आपको कहना चाहता है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ बनो, और जो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं वो भी आपको ये प्रेरित करने के लिए आ रहे हैं कि तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ बनना है, इसके लिए आपको प्रेरणा देने के लिए आ रहे हैं। यानी अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट करना है, अपनी हायर सेल्फ को अचीव करना है। आपका जो ह्यूमन बर्थ हुआ है, मानव जीवन में आप आए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? कहीं आप अपने जो रियल सोल पर्पस है उससे भटक तो नहीं गए हैं? इसलिए आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये तीन बातें आप जान जाते हैं तो आप ब्रह्मांड के और भी बहुत सारे रहस्य को सॉल्व कर लेंगे, सुलझा लेंगे, और आपका जीवन इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। अगर आप और भी ज़्यादा ब्रह्मांड के रहस्य और अपने जीवन पास्ट लाइफ से जुड़े हुए सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।